करना है इसमें गेम कोई, मैं विश्राम करूं कल ये करूंगा परसों करूंगा, यहां ये बात नहीं है। जन्म जन्म का एक सूक्ष्म संस्कार सबसे ज्यादा दो माना जाता है, वो मानी जाती है भूख। सूक्ष्म में सूक्ष्म संस्कार इस जीवात्मा की वो है भूख, फिर आती है काम वासना, फिर नींद। ये सूक्ष्म संस्कार माने जाते हैं जो जन्मों जन्मों साथ में रहते हैं। इतना तीव्र, और वैसे तंबाकू जो लोग खाते ना उनका भी डीएनए में वो सूक्ष्मता जाती है, उसके वंशजों में कोई ना कोई कैंसर की बीमारी आएगी जो लोग तंबाकू खाते हैं। आज की ये नई रिसर्च बताती है जो लोग भी तंबाकू खाते हैं, माध्यम कोई भी सिगरेट पीते हैं पूरी तंबाकू खाते हैं जो भी, उनके डीएनए में जाएगा, उनके वंशजों को कैंसर होगी होगी जो लोग तंबाकू खाते हैं। ऐसे ही शुगर मधुमेह हार्ट की बीमारी आज डीएनए तक जाती है, उनका प्रभाव पड़ेगा आगे भी, हमारे कर्मों का भी प्रभाव हमारे ऊपर भी है, हमारे आने वाले वंशजों पर भी है। कहीं तो भी हमारे पितृ भी वेटिंग हाल में जो होंगे, वेटिंग लोक है ऊपर जिसको पितृ लोक बोलते हैं। बाकियों को कोई ना कोई योनि मिल गई, जिन लोगों को योनि कोई नहीं मिली वो वेटिंग में है, उसको कहते हैं पितृ लोक। और उनके उद्धार सुधार के लिए हम लोग करते हैं अमावस्या, यदि गिरकर अमावस्या करना नहीं, फिर हम लोग करते हैं पितृपक्ष, फिर श्राद्ध, पिंडदान, फिर सर्वपितृ अमावस्या के दिन तो हम लोग करते हैं, जो पितृ हमें जानकारी में है या जो नहीं में उनके निमित्त भी हम लोग करते हैं और करना चाहते हैं। पता नहीं कोई गर्भपात हो गया हो हमारे वंशजों में से या पीढ़ियों में से किसी का गर्भपात हो गया हो, ध्यान उनको नहीं हुआ होगा, याद नहीं रहा होगा, वो भी तो हमारी कोई तो भी वंश थी, वो भी जीव आत्मा 84 लाख भटकती हुई आई थी, माँ ने गिरा दी या गिर गई, एवार्शन हो गई। लेकिन कुल मिला के अभी बिंदु चल रहा है, संत रविदास जी महाराज का अवतरण हुआ है, जन्म हुआ है, खा नहीं रहे हैं। 3 दिन हो गए, माँ परेशान है, मेरा बच्चा जन्मा है खा नहीं, माँ मेरा दूध नहीं ले रहा है। इधर उधर सब करके देखा, उस समय की जो भी बड़ी बाइयां रहती थी पड़ोस की, वैद्य थे जो भी किसी ने कहा यहाँ संत रहते स्वामी रामानंद जी महाराज, उसके पास लेके जाए, लेके गए, उन्होंने हाथ में लिया, समझ गए ये पिछले जन्म वाला मेरा ही शिष्य है, गलती हो गई थी, मैंने इनको श्राप दिया, लेकिन दूसरा जन्म लिया इसको याद है। गुरुदेव अंदर ही अंदर कहते हैं अरे खाना क्यों नहीं खाते, माँ का दूध लो ना। तो संत रविदास जी महाराज कहते हैं गुरुदेव मैं नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले पिछले जन्म में गलती हो गई थी, फिर से ना गलती हो जाए। बोले नहीं मैं आशावासन देता हूँ, तसली देता हूँ, तुझसे गलती नहीं होगी इस जन्म में, तू माँ का दूध ले। मतलब दूसरे जन्म में भी उसको गुरु भक्ति याद थी। कहते माई मीरा ये कौन थी ऐसी, उसके घर का वातावरण तो ऐसा नहीं था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये माई मीरा को प्रेम कहां से आया। कहते कि राधा रानी की एक सखी थी जिसका नाम था हेमलता, उनका ठाकुर जी से अटूट प्रेम था, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाई, किसी को बता नहीं पाई, क्योंकि सबको पता था सबसे ज्यादा ठाकुर जी से प्रेम करती राधा। राधा रानी के सामने कौन कहे कि मेरा भी प्रेम है ठाकुर जी से अटूट, अनन्य, जिसको गीता की भाषा में कहते हैं अनन्य प्रेम, ऐसे में कहूं। कहते हैं वही दूसरे जन्म में माई मीरा होके आई थी, 5 साल की बच्ची है, नाना जी लेके गए एक कथा में, भागवत कथा में, कथा पूरी हुई, व्यास जी जो पंडित थी कथा करके जा रहे थे, ऐसे महसूस हुआ मेरे कुर्ते को पीछे से किसी ने पकड़ा है, मुड़ के देखा कौन है, देखते हैं कि छोटी बालकी है। अरे कौन हो भाई, क्या नाम है? बोले मीरा। बोले मेरे कपड़े को क्यों पकड़ा है? बोले आपने जिसकी कथा सुनाई ठाकुर जी की, वो कृष्ण मुझे मिलाओ तो सही, आप ऐसे जा रहे हो, बता के जा रहे हो, बस प्रेम की अंगारी जगा के, चंगारी जगा के जा रहे हो, मिलाओ तो सही।
ठहर गए। अरे बड़ी बात है। बोले किसके साथ है? बोले नाना। बोले इसको बुलाओ। बोले क्या लगती है? बोले नाती है मेरी। बोले ये बड़ी बात है कर रहे। बोले भगवान मिलाओ। कोई मिलाता है कि हम लोग तो बताने वाले हैं। लगता है बोले ये साधारण बच्ची नहीं है, लगता है इसकी पिछले जन्म की कोई तो विसाधना रही है। और हम सब जानते हैं कई कथाएं हैं माई मीरा की, उनकी सासू की एक देवरानी थी। कहा इसका कुछ आप करो, आप होशियार हो बोलने में। गई उसके भाई माई मीरा, तो माई मीरा आई पांव पड़ी। बोले मेरा एक काम करोगे? बोले हाँ। बोले सुना है तेरा दयालु स्वभाव है? बोले हाँ। बोले हमारे एक पितरों की हवेली है, बड़ों पूर्वजों की हवेली है? बोले हाँ। बोले चलो उधर, सुना है पितर जो है हमारे प्रेत योनी में है, सुना है आप कीर्तन अच्छा करते हो, ठाकुर जी आते हैं उनका उदार सुधार करो। इनकी इच्छा ऐसी थी कि चलो मैं इसके लिए कुछ करती हूँ, तो पुरानी बिल्डिंग हवेली ताले बंद दे, खुला के मीरा को अंदर करके धक्का दिया, बाहर से ताला लगा दिया कि प्रेत इसको खुद ही मार देंगे। दो दिन के बाद विचार आया, देखो तो सही मरी पड़ी होगी, मृतक शरीर तो मीरा का बाहर लाए। जैसे ताला खोला तो माई मीरा तो कीर्तन करते हुए बाहर निकले। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 कीर्तन करते हुए बाहर निकली है। इसके घर वाले देखने आए, वैसे तो शरीर मृतक शरीर लेने आए थे सभी लोग, मर गई छवा जान छूटी, लेकिन वो तो कीर्तन करती बाहर निकली। लेकिन उसके पीछे एक प्रकाश 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 आता जा रहा था, कुछ प्रकाश स्वरूप दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहे थे। माई मीरा से वो अम्मा पूछती थी तो सासू माँ अरे कौन है? बोले इनसे पूछो। सभी ने कहा हम आपके सभी के पितर हैं, सच में प्रेत की योनि में थी, लेकिन इसने ऐसा कीर्तन करा, हमें भी इस प्रेत की योनि से छुटकारा मिला, अभी मोक्ष पद मिला है, हमें प्राप्त हुआ है, हम ठाकुर जी के निज धाम की ओर जा रहे हैं। माई मीरा तो सदैव खुश रहो, हम सभी तुम्हारे सदैव ऋणी रहेंगे। प्रणाम करते हुए एक एक आत्मा ऊपर जा रही थी। ये जो प्रेम का मार्ग है, थक गए हैं सोए क्या, पानी पी दे गणा का सत्संग उन्हें लगी ध्यान पानी पी लो तो बोला थोड़ा बरसात खाई तुम्हें चाय ना खाई तो जाती भाई साल में मुझे एकड़ो डी हों जनवरी में एक जगह इतने वेंदो नालो न तो वा भाई वो तो यारहें बजे सत्संग शुरू थी रात जो अढ़ाई बजे चुना साई अधु कलाक की रिसेस क्या चुना टी बजे तीन बी बजे कानी बंद रिसे मैं वेठो ती मर्जी भाई अद कला वेन्दा खाई पी घुमी ठीक हाँ शुरू कर उम्र भर का रोवना पावन पलक का नाही उम्र भर का रोवना पाव पलक का नाही रोवत रोवत मिल गया दादू मोहन माही। संत दादू दीनदयाल हुए हैं बोले ये क्षण भर का विषय नहीं है, जीवन भर कोई रोता रहे फिर भी अगर प्रभु की प्राप्ति हो गई तो भी सौदा सस्ता जान। कल हम लोग बाबा गोविंदराम की वर्षी पर ही नागपुर थे, हमारे गुरबाणी कर्ता संत आए थे चमनलाल जी महाराज, 80 साल की आयु बताई जा रही थी, भोक्सा पर आए, इतना नम्र स्वभाव सहज स्वभाव, लोगों को आश्चर्य लग रहा था ये संत चमनलाल हमारे साथ खड़े हैं।
हम लोग जितने संत मंडल बैठे थे 10 बार प्रणाम किया और 10 बार का महाराज हमें आशीर्वाद करना, मन से जन्म सार्थक हो। कितना ऊंचा पद है, इतनी नम्रता सहजता, सर उठाया नहीं है इधर से असा जा दिनों असा दकाज हूं मां तो नारी जाला में भजन तो आई दियो क्या करनिया भजन गई ए सही किशोर पाण सदाई तो असा सेवा दारी आई जा असा भी बाबे पहला जरा का वटी एक एक वेलो नेरन खाराई दा सबनी संतन के बेटा दी ना 100 रुपयो पाल भी भाई दा ढोबला सही नालो करी वरदा आई ना भाई किशोर सही नालो वरदो कर असा भी नेरन खाराई दा 100 भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव की सार है, भाव से जो मुझको भरे सो भाव से बेड़ा पार है, भाव धन जो कुछ भी दे मैं कुछ लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे दो तो मुझे सब स्वीकार है, भाव लेते भगत मुझको भाव की जंजीर से